इस थाली का कुछ विशेष नाम है जी? जी सर। थाली का कुछ विशेष नाम है? ये राजस्थानी और गुजराती कॉम्बिनेशन थाली है सर। राजस्थानी और गुजराती कॉम्बिनेशन थाली। जी जी, उसमें आपको राजस्थानी आइटम्स भी मिलेंगे, गुजराती आइटम्स भी आएंगे इसमें। अच्छा, वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा आपको, जो भी चीजें आएगी जितनी बार आपको लगेगा उतनी बार सर्व करेंगे, अनलिमिटेड। क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? ये गार्वी रसोई सर। गार्वी रसोई। जी हाँ, गुजराती और राजस्थानी कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारा थाली कॉन्सेप्ट है, और ये थाली का जितना भी आइटम्स है आपको जितना लगेगा उतना सर्व होगा, जितनी बार लगेगा उतनी बार सर्व करेंगे। क्या बात है, ये भरपेट भोजनालय है जी। आप जितनी बात, एक दक्षिण भारतीय मित्र हमारे आज वो भी इसका एंजॉय कर रहे हैं। आप कन्याकुमारी से आए हैं, साउथ इंडियन थाली तो बहुत खाई, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ओके, वेरी टेस्टी। क्या, चलिए जी अभी टेस्ट करते हैं। ये रोटी है जी, ये पूरन पुली है। ये पूरन पुली तो दक्षिण भारत की है, वो भी मिला दी बीच में। क्या बात है जी, देसी घी इसके ऊपर डाला गया है। पूरन पुली में गुड़ डाला जाता है, ये कर्नाटक में मैंने अभी खाया था। और ये देखिए जी, अभी हम इसको आरंभ करते हैं। अभी और भी कुछ रह गया क्या? अब क्या रह गया? जलेबी। ये थोड़ी देर में ले आना, चलो रख दो। ये जलेबी भी आ गई जी इसमें। अब जलेबी है, रायपुर बासुंदी है, रायपुर बासुंदी ये रबड़ी, सर, रबड़ी जो है और जलेबी, ये दो मिष्ठान आ गए हैं। ये कॉम्बिनेशन है भारत के तीन राज्यों का हो गया। आप वेशभूषा देखिए जो सर्व कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी ये भी गुजरात का ही काठियावाड़ी ड्रेस है ये। बाहर आपने राजस्थानी नृत्य देखा, कालबेलिया, और सभी यहाँ सर्व करने वाले जो हैं वो उन्होंने काठियावाड़ी ड्रेस पहनी हुई है। राठी जी ने कमाल ही कर दिया है यहाँ पर। अरविंद राठी जी, जिनकी बेटी ने भी अभी हैंडीक्राफ्ट का वो अभी हम शूट करके आए हैं, और एक ये रेस्टोरेंट जो बनाया, इसका लुक आप देखिए, एम्बियंस देखिए, बहुत ही कमाल की है। अब हम इसको खाते हैं और उसके बाद दोबारा से इसको बाकी जो बच गया उसको शूट करेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा एक बार आप आइए और ये आप सामने से शूट कीजिए, हम जब खाएंगे ये लीजिए। चालू है पानी हटा दीजिए। कहाँ से शुरू किया जाए? स्टार्टर से। स्टार्टर अपना क्या है जी? ये सर खमन ढोकला है और मटर पैक है, आपको ग्रीन चटनी और इमली चटनी के साथ में आप कॉम्बिनेशन कीजिए। अच्छा जी, ठीक है जी, ये लीजिए। ये खमन ढोकला, ये दो प्रकार की चटनी है, उसके साथ ये खाया जाता है। वाह, बहुत ही सॉफ्ट है। हम दूसरी चटनी भी थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं। मैं जो देखने वाले हैं उनका मन ललचा रहा हूं कि एक एक चीज जब वो अपने सामने देखेंगे खाई जा रही है, तो उनका भी मन करे यहाँ कर खाने के लिए। I'm eating everything, so the people who are watching this, they should feel hungry. They will come here and they must eat this food. ये जो रोटी है इसमें गुड़ होता है और मक्का होता है इसमें, क्यों जी? जी सर, ये पूरन पोली है सर। पूरन पोली, जी हाँ। ये कर्नाटक में, ये वैसे तो महाराष्ट्रियन की है, लेकिन वहाँ पर इसे पूरा घी में ये नहीं करते, गुजराती डिश में हम लोग उसको इंक्लूड किया है। उसके साथ चने की जो दाल होती है वो, और गुड़ का मावा रहता है, उसको स्टफ करके रोटी के अंदर पूरा स्टफ करके तवे के पूरा घी में उसको सेकते हैं। मैंने इसको बनते भी देखा था कर्नाटक रामनगर में। और ये कौन सी रोटी है जी इतनी बड़ी? ये सर मकाई का रोटला है, उसको आप मकाई का रोटला घी वगैरह प्रॉपर ये करेंगे तो आपको ऑथेंटिक थोड़ा टेस्ट मिलेगा इससे। ये रोटी छोटी सी, इसका नाम रोटला है। रोटला, ये कितनी अच्छी बात है। और ये कहाँ का है? ये गुजराती आइटम है सर। ये गुजराती आइटम है, इसको हम कढ़ी के साथ खा ले जिसको आप।
और गुजराती आइटम कौन सी है इसमें? ये गुजराती कड़ी है सर। हाँ, ये व्हाइट वाली ये गुजराती कड़ी है, ये स्वीट है, बासुंदी है, ये मटर पैक है, ढोकला है, सारा गुजराती आइटम से। ये गुजराती कड़ी होगी और ये राजस्थानी, ये राजस्थानी कड़ी सर, ये राजस्थानी कड़ी होगी, दो कड़ियां एक साथ। फिर लास्ट में मूंग दाल की गुजराती खिचड़ी भी आएगी कड़ी के साथ में। अल्लाह जीरो, ये हम छोले खा रहे हैं। और ये क्या है जी? ये आलू कैप्सिकम है सर। और ये पनीर मिक्स वेज है सर। चलिए जी, ये भी हमने एक एक। और ये जो है सरगवा सिंह की सब्जी है, जो ये जी ये सरगवा सिंह गुजराती है। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना जी। आप टेस्ट कीजिए सर, वो भी ये सरगवा सिंह, ये उसकी सब्जी के साथ खा रहे हैं। हरी रोटियां देसी घी में ऐसे भरपूर, ये राजस्थानी दाल है सर, थोड़ा चटपटा तीखा रहेगा। राजस्थानी दाल है जी। और ये क्या जी? ये मटर पैक है सर, उसमें ग्रीन पीस का मसाला रहता है, उसको अंदर मैदे का जो रहता है उसको अंदर स्टफ करके उसको फ्राई परेशान है। ये तो अभी चखते चखते ही हमारा पेट भर गया। चार कोने वाला है। चलिए जी, अब एक छाछ पी लेते हैं मसाला छाछ। मैं निर्मल रतनलाल वैद आपको अपने चैनल से इस प्रकार के जितने भी अच्छी अच्छी कुजींस हमारे भारत में हैं, अभी आपने दो दिन पहले मुझे भोपाल में देखा था, उससे तीन दिन पहले मैं महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर में था, वहाँ के मैंने व्यंजन के बारे में आपको बताया था, और मैं आज उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में गुजरात और राजस्थान का एक ऐसा नहीं, अब हमें खिचड़ी खिला दीजिए, उसकी एक ऐसी थाली है जो कॉम्बो थाली है, दो राज्यों के बेस्ट कुजीन आपको, बेस्ट व्यंजन आपको खाने को मिलेंगे एक साथ। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को, भारत एक विभिन्नता का देश है, प्रत्येक राज्य में अनेकों प्रकार के व्यंजन हैं, और मेरी क्या कई लोगों की उम्र कम पड़ जाएगी, हम पूरे देश के व्यंजनों के बारे में नहीं जान पाएंगे। आप सब आइए, स्वागत है, और आप पौष्टिक भोजन लीजिए और स्वादिष्ट भोजन लीजिए, तो नमस्ते इंडिया में अवश्य आए गुजरात और राजस्थान का आनंद लेने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।